मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी के लिए मुतहरिक। नून लीग ने पंजाब हाउस में तहादियों की अहम बैठक बुला ली। लीगी कायद नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी MQM कायद ली और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क्यादत से मुलाकात करेंगे। तहादी पार्लिमानी जमातों का मुश्तरका अजलास भी होगा। नून लीग तहादियों के एजाज में अशाइया भी देगी। इसहाक डार कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मुंतखब करेंगे। चाहते हैं JUI न सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि विफाक में भी साथ चले। कौमी असम्बली का अजलास कल होगा, अरकान हलफ उठाएंगे। नून लीग के सरदार अयाज सादिक स्पीकर, कौमी असम्बली के मजबूत उम्मीदवार। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी में शाजिया मरी और नफीसा शाह के नामों पर गौर। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी का नाम जेरे गर्दिश। डिप्टी चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने पर ख्वाजा आसिफ को वजारत दिफा, एहसन इकबाल का वजारत दाखिला को कलमदान सौंपे जाने का इम्कान। अता ताड़र वजारत इतलात के उम्मीदवार होंगे। वजीर आला बलोचिस्तान के लिए सरफराज मुफ्ती और सनाउल्लाह ज़हरी मजबूत उम्मीदवार। बलोचिस्तान असम्बली के स्पीकर के लिए सादिक सदरानी का नाम सर फहरिस्त। गवर्नर पंजाब के लिए कमर जमान कायरा मजबूत उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इक्तदार के मुंतकली का आगाज। 9 मुंतखब अरकान असम्बली आज हलफ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का अजलास कुछ देर बाद। बलोचिस्तान असम्बली का अजलास दोपहर 3 बजे होगा। बलोचिस्तान में स्पीकर जान मोहम्मद जवानी के बजाय 9 मुंतखब रुकन जमर खान अचकजई बतौर प्रिजाइडिंग अफसर अरकान असम्बली से हलफ लेंगे। पंजाब असम्बली का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। नई हुकूमत अपना पहला मिनी बजट पेश करेगी। बजट रवा वाली साल की बकिया 4 माह के लिए पेश किया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज ने असम्बली इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया। इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें देने की समात। बैरिस्टर अली जफर ने कहा आपने सारी पार्टियों को नोटिस करने का फैसला दिया। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा सिर्फ मुतलका पार्टीज को बुलाया, अगर रिकॉर्डिंग्स पर जाना है तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। हमें इलेक्शन कमीशन से रत्ती बराबर भी उम्मीद नहीं। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े। कहा इलेक्शन कमीशन के फैसले का सबको पहले ही पता है, हम तो सिर्फ कानूनी तकाजा पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन गए हैं। हलफ उठाकर कौमी असम्बली में एहतजाज करेंगे। कारकुन क्रैकडाउन के खौफ की वजह से सड़कों पर नहीं आ रहे। हमारा मकसद शराकत इकतदार कभी नहीं रहा। NA 15 मानसहरा से नवाज शरीफ की दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन कमीशन ने कहा दरख्वास्त गुजार इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू कर सकता है। इलेक्शन कमीशन का आरोप को 3 रोज में नतीजे मुकम्मल करने का हुक्म। बलोच तलबा बाजियाबी केस में निगरान वजीर आजम के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। अदालत ने कहा सिस्टम में कमी और खामियां हैं, सबूत नहीं आता तो किसको कैसे सजा दें। दहशतगर्दी से 90,000 शहादतें हुई, 90 लोगों को सजा नहीं हुई। ये कहते हैं स्टूडेंट्स की लासानी बुनियादों पर प्रोफाइलिंग ना करें, ये बसों से उतार कर नाम पूछते और चौधरी या गुजर को कत्ल कर देते हैं। लापता अफराद का पूछने तो ये 5,000 नाम दे देते हैं। इनकी वजह से पूरी रियासत को मुजरिम तस्वुर करना दुरुस्त नहीं। वजीर आला मरियम नवाज की पंजाब को साफ सुथरा बनाने के लिए 1 माह की मोहलत। सुथरा पंजाब पर आला सतह का इजलास। मरियम नवाज शरीफ की जिले इंतजामिया और मुतलका इदारों को सुबाई सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। कहा टूटी गलियों, गली मोहल्लों और सड़कों पर खड़ा गंदा पानी और उबलते गटरों से आवाम को निजात मिलनी चाहिए।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वजीर आला हाउस आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पुलिस के चाको चौपन दस्ते की सलामी। वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत अमन अमान पर अहम इजलास। कच्चे के इलाकों से डाकों को खत्म करने का ऐलान। कहा पंजाब और बलोचिस्तान से मिलकर डाकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल से मुतमईन नहीं हूँ। वजीर आला ने गाड़ियों की फ्लैश लाइट्स और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी। पुलिस स्टेशन की मुरम्मत के लिए 2 अरब रुपये की मंजूरी। एहतजाज और तोड़फोड़ से मुतालिक थाना तरनोल में दर्ज मुकदमा के केस बानी पीटीआई असद उमर, फैसल जावेद और दीगर बरी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीद ने बरियत दरखास्तें मंजूर करने का फैसला जारी कर दिया। निगरान हुकूमत के तनाज़ात की लंबी चौड़ी कहानी। अनवारुल हक काकड़ ने 3 माह के बजाय 6 माह इक्तदार संभाले रखा। काकड़ हुकूमत ने आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया। मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात कराए। उल्टे सीधे बयान से खबरों में इन रहे। निगरान सेटअप पर तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने का इल्ज़ाम। मखसूस सियासी जमात के लिए इंतखाबी अमल के दरवाजे बंद रहे। निगरान वज़ीर आज़म को यूनिवर्सिटियों में जाकर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा तो उन्होंने मजीद काबले इतराज जवाब देना शुरू कर दिए। महंगाई में बेतहाशा इजाफा करके अवाम का जीना भी दोबर किए रखा। अवाम की जिंदगी मुश्किल बनाने के साथ साथ निगरान हुकूमत अपने दायरे इख्तियार से बाहर निकलकर अहम फैसले भी करती रही। निगरान हुकूमत ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम शुरू करने की मंजूरी दे दी। माहिरीन का कहना है ऐसे बड़े मंसूबे की मंजूरी देना निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं। मुस्तफ़ा कमाल की ऑडियो लीक ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। मरकज में तहादी जमातों के एक दूसरे को जाली मैंडेट के ताने। ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बहस छिड़ गई। मुतहदा रहनुमा ने चंद घंटे बाद ऑडियो के असल होने की तस्दीक कर दी। कहा इसमें कुछ नया नहीं। पीपी और मुतहदा सरेआम एक दूसरे का मैंडेट जाली करार देती रही हैं। मुतहदा लंदन वालों ने रिकॉर्ड करके वायरल करवाई। निगरान हुकूमत ने नेपरा पर दबाव डालकर बिजली महंगी कराई। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। डिस्कोस की 7 रुपये से ज्यादा इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा हैरान। डिस्कोस के खिलाफ तहकीकात कराने तक बिजली महंगी करने से इनकार किया। निगरान हुकूमत ने नेपरा से कहा फौरी इजाफा ना करने पर IMF की शराइत पूरी ना हो सकेंगी। नेपरा ने तहकीकात ईद के बाद तक मौखर करके बिजली महंगी करने की इजाजत दे दी। इजाफी कीमत जनवरी के बिलों पर वसूल की जाएगी। सार्फीन पर 55 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 397 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 63,616 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता 289.20 रुपये का हो गया।